And then the scamster, Karnataka Chief Minister BS Yediyurappa, are not friends. Just because we had a couple of drinks together doesn't mean that we are seeing each other. The truth of the matter is that these days, it looks like anyone in India who has money to cover his body with clothes has got something or the other to do with illegal housing. I am usually fully dressed, so I want to set the record straight. भाई ये कहानी घर घर की जरूर होगी लेकिन मेरे घर की नहीं है. मैं मेहनत की कमाई से अपनी जेब भरता हूँ और जय हिंद के प्रोड्यूसर्स के प्यार से अपना पेट भरता हूँ. आई हैव नथिंग टू डू विद एनी इलीगल प्रॉपर्टी मैटर. एंड प्लीज नोट दैट नो मेंबर ऑफ द जय हिंद फैमिली हैज एनीथिंग टू डू विद आदर्श कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी. वी फ्लैटली डिनाई एनी इन्वॉल्वमेंट. यार हमारा इससे क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं है. हमारा कोई आदर्श नहीं है. हम किसी के साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं और सोसाइटी ने तो हमको वैसे ही कभी अपना समझा ही नहीं. जय हिंद. राघवन और आज मैं बहुत गुस्से में. मेरे अंगूठे में गांठ हो गई थी जो सर्जरी करके निकलवानी पड़ी. और आपको पता है ये सब क्यों हुआ है? पिछले 3 दिन में मैंने इतने चैनल सर्व किए कि मेरे अंगूठे में गांठ हो गई है. एक्चुअली दिमाग में गांठ क्यों नहीं हुई है अभी तक मुझे पता नहीं चला. हाँ, क्योंकि टीवी इंडस्ट्री आई थिंक कैन कॉज सीरियस ब्रेन ट्यूमर. लिसन टू दिस, क्या आप जानते हैं टीआरपी के हिसाब से देश का और स्टार प्लस का नंबर 1 शो कितने बजे आता है? शाम के 7 बजे. इसका मतलब शाम के 7 बजे बजने के बाद लोग स्टार प्लस नहीं देखते. और स्टार प्लस ही क्यों, जब साथिया नाम का ये शो देश का नंबर 1 टीआरपी शो है, इसका मतलब देश में 7 बजे के बाद कम से कम लोग टीवी देखते हैं. कमाल है. तो फिर ये चैनल वाले अपने महंगे महंगे शोज 9 बजे क्यों दिखाते? डजंट मेक सेंस. एनीवे, वेलकम टू मीडिया मेहम. ये एलिस इन वंडरलैंड से भी ज्यादा कंफ्यूजिंग और आर्बिट वर्ल्ड. बरखा दत्त को सुबह ओपन मैगजीन किसी स्कैम में अक्यूज करती है और शाम को वही बरखा दत्त किसी बेचारे नेता को स्कैम में अक्यूज करती है. आई मीन व्हाट द फक इज दिस. बट बैक टू जीईसीज, दैट इज जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स. नहीं सॉरी, जनरली नॉन एंटरटेनिंग चैनल्स कहना चाहिए. तो म्यूजिक शो, टैलेंट हंट शो, म्यूजिक टैलेंट हंट शो, रियलिटी शो, राखी का इंसाफ, बिग बॉस, केबीसी. आई हेट ऑल दीज फैमिली शोज. सास बहू शोज में जितनी बार लोग पैर नहीं पड़ते उससे 10 गुना ज्यादा इन रियलिटी शोज में लोग पैर पड़ते हैं. सोप्स और सीरियल्स में तो कम से कम लोग बुजुर्गों के पैर पड़ते हैं, रियलिटी शोज में अरशद वारसी और ऋतिक रोशन के पैर पड़ते हैं. और सबसे बड़ा चुतियापा ये है कि शो के बीच में कमिंग अप्स. आप सीरियसली कोई शो देख रहे हो? लाइक मैं एक हॉरर शो देख रहा था. हाँ, फॉर अ चेंज इट वाज रियली स्केरी. तो डरावना सीन चल रहा था. मैं डर अचानक देखता हूँ क्या नीचे वो छोटे छोटे चम्मच, तवा, कड़ची, वाटी, कुकर, आलू, टमाटर ऐसे उड़ते हुए आए. और फिर अक्षय कुमार का 1 and only 1 एक्सप्रेशन वाला कटा हुआ सिर भी आया. फिर आग की कुछ लपटें निकली और फिर आया मास्टर शेफ का लोगो. हाल ही में एक बार फिर स्टार प्लस. क्या करें, अब नंबर 1 चैनल वही है तो मैं भी वही देखता हूं. तो स्टार प्लस पर ही एक शो चल रहा था, सास बहू टाइप्स. उसमें एक बूढ़ी आंटी का मिड शॉट था, यू नो, इतना छाती से लेकर सर तक. और तभी अचानक अक्षय कुमार का कटा हुआ सिर उड़कर स्क्रीन पर आया और उस बेचारी लेडी के बूब्स पर आकर ना आग की फ्लेम्स फेंकने लगा. दिस इज एक्चुअली वल्गर. यस, व्हाट द फक इज गोइंग ऑन हियर? आईबीएम वालों, अरे नहीं वो कंप्यूटर वाले नहीं, इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री वालों, सिर्फ बिग बॉस और राखी के पीछे मत पड़ो. ऐसी वल्गर हरकतें दिन दहाड़े होती हैं हर चैनल में, कुछ करो. कितना गंदा लगता है फैमिली के साथ बैठकर देख रहे हो ये बुड्ढी आंटी का इधर जल रहा है. अच्छी चीज कैसा लगता है? सोनी पर एक शो चल रहा था. सीन में 2 औरतें बात कर रही थी और अचानक सीआईडी के एसीपी प्रद्युम्न आते हैं और उंगली दिखाते हैं.
और उनकी उंगली सीधी तो रहती नहीं है, यूं 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 हिलती रहती है। अब दो औरतों के बीच में शिवाजी साटम ऐसे ऐसे उंगली हिलाते हुए दिखते बोल। आप बताइए, आप क्या ये फैमिली के साथ देख सकते हैं? हा? फिर ये देखिए, शिवाजी साटम को उंगली करते देख मुझे ये ख्याल आया कि ये उंगली शिवाजी साटम नहीं, सोनी टीवी वाले खुद अपने वहां उंगली कर रहे हैं। अरे सुधर जाओ यार, सुधर जाओ, वरना बची कुछ हाफ टीआरपी भी चली जाएगी तुम्हें। एंड वन मोर थिंग, आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड रनिंग टिकर लाइंस जो शो के नीचे चलती रहती है। ये देखिए ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ये किस चूतिए का आइडिया है पता नहीं। I mean, आप ही का शो है, इतनी मेहनत और पैसे डालकर आपने शूट किया है, फिर टिकर डालकर लोगों का कंसंट्रेशन क्यों तोड़ते हो? ये फिक्शन चैनल है, कोई न्यूज चैनल नहीं है चूतियों, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। और भाई जब एड चलती है तब कोई डिस्ट्रैक्शन है, टिकर नहीं आता। क्या हो गया अचानक, तुम लोगों को क्या हुआ? We totally agree with you. अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड, चलो कोई तो है भैया। वेरी गुड, हमदर्दों से मिलकर अच्छा लगा। आगे है झांकी का इंसाफ। जो आवाज तभी है वो होगी बुलंद, मेरे पास है ना इंसाफी का इलाज। हाँ जी, जय हिंद डॉट टीवी की कुछ प्रोफेसीज और सर्दियों में बारिश से बचने के कुछ अजीबोगरीब नए उपाय। But right after this short break, till then, guys.